Good morning class. This is our new anaphysio class in which today we will study about the functions of liver, which is the remaining part of physiology of GI system. तो देखिए हम लोगों ने गॉल ब्लैडर पेनक्रियाज वगैरह के बारे में पढ़ा, बाइल पेनक्रियाटिक जूस गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में पढ़ा. तो अब अपना लीवर बच गया बेचारा, जो बहुत मेन ऑर्गन है. हालांकि मैंने आपको बताया मैं इन सब चीज़ों को अलग से डिटेल में और पढ़ाऊंगी. ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पढ़ा रही तो बस इतना हो गया आपका ख़त्म, ऐसा नहीं है. अपन लीवर को और डिटेल में पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एनाफिजियो है, इतनी छोटे से मैं कंप्लीट नहीं होती है. पर फिर भी एक बार तो हम पढ़ें जीआई के पार्ट के साथ में. तो देखिए लीवर हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है. ये बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है जो कि बहुत सारे वाइटल मेटाबॉलिक और होम्योस्टैटिक फंक्शन करता है. वाइटल मेटाबॉलिक क्योंकि आप जानते हैं जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर में चलता है, और मेटाबॉलिज्म वो फंक्शन है आपकी बॉडी का, वो एसेंशियल प्रोसेस है आपकी बॉडी का जिसके थ्रू आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है. वो एनर्जी जो आपने खाने से डिराइव की है. तो खाना जब मेटाबोलाइज्ड होता है, डाइजेस्ट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, और मेटाबोलाइज्ड होता है लीवर में, और मेटाबोलाइज्ड होने के बाद वो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो लीवर के फंक्शंस मेटाबॉलिक फंक्शन, स्टोरेज फंक्शन, सिंथेटिक फंक्शन और सीक्रेटरी फंक्शन है. मेटाबॉलिक फंक्शन में लीवर फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और विटामिन्स, इन सब का मेटाबॉलिज्म लीवर में ही होता है, और बहुत सारे हार्मोन्स का भी मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है. तो ये मेटाबॉलिक फंक्शन है. स्टोरेज फंक्शन सबस्टांसेस जैसे ग्लाइकोजन, अमाइनो एसिड्स, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, B12 और डी, ये सब के सब लीवर में जा कर के स्टोर होते हैं. ग्लाइकोजन लीवर और मसल में स्टोर होता है, अमाइनो एसिड लीवर में स्टोर होता है, आयरन लीवर के अंदर क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज चल रहा होता है. तो ये सब लीवर में स्टोरेज का भी लीवर इस तरह से फंक्शन करेगा. नेक्स्ट है सिंथेटिक फंक्शन. लीवर ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के दौरान. सिंथेटिक फंक्शन का मतलब बनाना. लीवर क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है. किसके द्वारा? ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के द्वारा भी. ग्लाइकोजिनोलाइसिस यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप लिख लीजिएगा. ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना. ग्लाइकोजन एक्चुअली टूटता है, ग्लूकोज बनता है. और ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना. तो ये दोनों प्रोसेस लीवर में चल रहे होते हैं. और इसके अलावा सभी प्लाज्मा प्रोटीन्स और दूसरे प्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन के अलावा दूसरे प्रोटीन जैसे क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह भी लीवर में ही बनते हैं, और ये स्टीरॉयड का भी सिंथेसिस करता है. नेक्स्ट बाइल का सीक्रीशन. लीवर बाइल सीक्रीट करता है जिसमें बाइल सॉल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स और लैसेथिन पाया जाता है. एक्सक्रीटरी फंक्शन लीवर करता है, हीट का प्रोडक्शन करता है, हीमोपोएटिक फंक्शन करता है और हीमोलाइटिक फंक्शन भी करता है. एक्सक्रीटरी फंक्शन में भाई लीवर एक्सक्रीट्स करता है जैसे कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स, हैवी मेटल जैसे कि लेड, आर्सेनिक, बिस्मिथ के टॉक्सिन्स, हैवी मेटल के टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया और वायरस, ये सब चीज़ें बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है. वायरस में स्पेशली येलो फीवर वायरस जो है वो लीवर के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है. नेक्स्ट फंक्शन है हीट प्रोडक्शन. तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जो है वो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होती है जब उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं. तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से या उसके साथ में लीवर जो है वो काफ़ी अमाउंट में हीट का प्रोडक्शन भी करता है. लीवर वो ऑर्गन है जहाँ पर मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट है हीमोपोएटिक फंक्शन. तो फीटस लीवर में बाइल सेल्स प्रोड्यूस होती है. हीमोपोएटिक मतलब हीमोपोएसिस, हीमोपोएसिस मतलब ब्लड का फॉर्मेशन, यानी इराइथ्रोसाइट्स, आरबीसी का फॉर्मेशन. तो फीटस के अंदर जो लीवर है वो ब्लड सेल का प्रोडक्शन करता है, विटामिन बी12,
इराइथ्रोपोइसिस के लिए स्टोर होता है, आयरन भी नेसेसरी है हीमोग्लोबिन बनने के लिए। तो लीवर जो है वो थ्रोम्बोपोइटिन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइट भी प्रोड्यूस होते हैं। तो RBC, प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट किसको कहते हैं, प्लेटलेट्स को कहते हैं। तो प्लेटलेट वगैरह सब जो है वो लीवर में प्रोड्यूस होती है, फीटल स्टेज में ऐसा चलता है। हीमोलाइटिक फंक्शन, जो सिनाइल मतलब बूढ़ी, जो सिनाइल RBC होती हैं, जब उनका लाइफ स्पैन यानी 120 डेज जब वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि RBC लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, वो जैसे अपने 120 दिन पूरे करती है तो वो आरी सेल जो लीवर की होती हैं उसमें जा कर के डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। आरी सेल्स कौन से होते हैं लीवर की, कुफर सेल्स मैक्रोफाज होती हैं लीवर की, मैंने शायद आपको पहले ही बताया था, लीवर की मैक्रोफाज को कुफर सेल्स कहते हैं, तो ये आरी सेल्स हैं। इसके अलावा हॉर्मोन्स और ड्रग्स का इनएक्टिवेशन भी लीवर में चलता है, डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन भी लीवर करता है। हॉर्मोन्स और ड्रग्स का इनएक्टिवेशन कैसे होता है भाई, लीवर जो है वो ग्रोथ हार्मोन, पैराथॉर्मोन, कॉर्टिसोल, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और एस्ट्रोजन को कैटाबोलाइज करता है। कैटाबोलाइज क्या होता है भाई, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दो रिएक्शन होती है, एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन या सिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन। तो किस किस का ब्रेकडाउन है, हार्मोन, पैराथॉर्मोन, कॉर्टिसोल, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एस्ट्रोजन जैसी चीज, जैसे जो हैं चीज़ें, और इसके अलावा ड्रग्स वगैरह ये सब की सब ये जो हैं वो इनएक्टिवेट हो जाती हैं। फैट सॉल्युबल ड्रग्स भी जो है वो पहले कन्वर्ट होती है वाटर सॉल्युबल सबस्टांसेस में और फिर बाइल और यूरिन के साथ में एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो ये हार्मोन और ड्रग्स को इनएक्टिवेट भी करता है लीवर। लास्ट फंक्शन है डिफेंसिव और टॉक्सिफिकेशन का फंक्शन। जो आरी सेल्स हैं लीवर की यानी कुफर सेल्स हैं वो बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म का रोल भी करती हैं। लीवर जो है वो फॉरेन बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफाई करना मतलब उसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर देना फॉरेन बॉडी की। हो गया भाई लीवर अपना पूरा। अब गॉल ब्लैडर का फंक्शन पढ़ते हैं। जो लीवर से बाइल सीक्रीट होता है वो गॉल ब्लैडर में जाकर के स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर की लगभग 50 ml तक बाइल को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। गॉल ब्लैडर हमारे लाइफ के लिए हालांकि एसेंशियल नहीं है, इसको रिमूव पर अगर कर दिया जाए, कब किया जाता है, उन लोगों में जिनमें गॉल ब्लैडर का फंक्शन सही नहीं चल रहा होता है, यानी गॉल ब्लैडर डिसफंक्शन जिन लोगों को हो जाता है उनमें गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है। रिमूव करने को अपन कहते हैं कोलसिस्टेक्टॉमी। गॉल ब्लैडर को रिमूव करना क्या कहलाता है, कोलसिस्टेक्टॉमी। अब गॉल ब्लैडर फंक्शन क्या करता है, हालांकि हमने बोला कि लाइफ के लिए ज़्यादा एसेंशियल नहीं है इसीलिए तो इसको रिमूव किया जा सकता है, पर फिर भी जब होता है बेचारा फंक्शन तो करता है। ये क्या फंक्शन करता है, बाइल को स्टोर करेगा, बाइल का कॉन्ट्रैक्शन करेगा। कॉन्ट्रैक्शन मैंने बताया था ना, ड्यूडेना में रिलीज़ करता है बाइल को। इसके अलावा बाइल की pH ऑल्टर्ड करता है, म्यूसिन का सीक्रीशन करता है और बिलियरी सिस्टम में प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है गॉल ब्लैडर। स्टोरेज ऑफ बाइल, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, बाइल की pH का ऑल्टरेशन, म्यूसिन का सीक्रीशन और बिलियरी सिस्टम में प्रेशर को मेंटेन करता है। तो स्टोरेज ऑफ बाइल के, बाइल जो है कंटिन्यूसली लीवर से सीक्रेट होता रहता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है और इंटेस्टाइन में रिलीज होता है जब भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। कब आवश्यकता पड़ती है, जब आप फैट रिच मील लेते हैं तब इसकी रिक्वायरमेंट होती है। बाइल का कंसंट्रेशन, सॉरी वो कॉन्ट्रैक्शन था, कंसंट्रेशन था, मैं गलत बोल गई थी, इसको सही कर लीजिएगा। तो कुछ सबस्टांसेस जैसे बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्टेरॉल, लैसिथिन, ये सारे सबस्टांसेस जो है वो बाइल को कंसंट्रेट 5 to 10 times बाइल को कंसंट्रेट करने में हेल्पफुल होते हैं। फिर बाइल की pH का ऑल्टरेशन, बाइल की pH जो है वो कम हो जाती है 8 से 8.6 तक और लेस अल्कलाइन हो जाता है जब ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो बाइल की pH ऐसे चेंज होती है। म्यूसिन का सीक्रीशन, गॉल ब्लैडर म्यूसिन को सीक्रीट करता है, म्यूसिन बाइल में ऐड होता है, जब बाइल रिलीज होएगा इंटेस्टाइन में तब म्यूसिन उसमें ऐड होएगा। तो म्यूसिन क्या करता है, फिर जब इंटेस्टाइन में चला गया तो ये काइम को ल्यूब्रिकेट करता है ताकि काइम इजीली मूव कर सके इंटेस्टाइन के अंदर, काइम जो स्टमक से रिलीज होता है वो आराम से रिलीज हो सके। इसके बाद बिलियरी सिस्टम में प्रेशर को कैसे मेंटेन रखता है, कंसंट्रेटिंग कैपेसिटी जो गॉल ब्लैडर की होती है वो प्रेशर को मेंटेन रखती है लगभग 7 cm H2O निन बिलियरी सिस्टम में।
ये जो प्रेशर है बिलियरी सिस्टम में, ये बाइल का इंटेस्टाइन में रिलीज के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, तो इसलिए इस प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम गॉल ब्लैडर का होता है। बस तो हमने लीवर पढ़ लिया, गॉल ब्लैडर पढ़ लिया, तो हो गए अपने ये एसेसरी ऑर्गन्स भी लगभग कंप्लीट। तो ये फिजियोलॉजी में हमने जितने भी फंक्शंस थे वो हमने पढ़ लिए, जितने भी आपके जीआई ट्रैक के पार्ट हैं। इसलिए मैंने अपनी लास्ट क्लास में बोला था कि ये लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास फिजियोलॉजी की नहीं है एक्चुअली, ये फिजियोलॉजी में जो हमें फंक्शंस पढ़ने थे हर पार्ट के, उसकी ये लास्ट क्लास है। तो ये मैंने आपको आज करवा दिए हैं सारे फंक्शंस, माउथ पढ़ लिया, सलाइवा पढ़ लिया, स्टमक हो गया, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज हो गया, तो ये इन सब के फंक्शंस अपन ने पढ़ लिए हैं, मेटाबॉलिज्म वगैरह अपन ने देख लिए हैं। बाकी अभी रिमेनिंग और जीआई सिस्टम बाकी है, जीआई अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जीआई की लास्ट क्लास नहीं है, जीआई के इस ऑर्गन्स के फंक्शंस वाले फिजियोलॉजी की लास्ट क्लास थी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बच्चों कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।